तो अब हम आंदोलन किसकी बात कर रहे हैं, वह है चिपको आंदोलन। शब्द है चिपको आंदोलन। निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोगों ने इस आंदोलन के बारे में सुना होगा। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इसकी शुरुआत 2-3 गांव में होती है, गांव में। और इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है? उस 2-3 गांव के लोग जो रोज लकड़ी बीनते थे अपने विभिन्न डे टू डे काम की जरूरत को पूरा करने के लिए, चाहे चूल्हा जलाने के लिए, चाहे खेत की सीमाएं बनाने के लिए, चाहे छोटे मोटे हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, उसके लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक इस 2-3 गांव के लोगों ने वन विभाग के जो संबंधित अधिकारी थे उनसे अनुरोध किया कि हमें जो आसपास जो ऐश ट्री है, जिसे कहते हैं ऐश ट्री, को उसकी शाखाओं को काटने की अनुमति दी जाए। ऐश ट्री की शाखाओं को काटने की अनुमति मांगी गांव के लोगों ने वन विभाग से, क्योंकि ऐश ट्री भारी मात्रा में थे और इनकी शाखाओं से उनको अपने रोजमर्रा के काम पूरे करने थे। उन्हें वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं मिलती है, वन विभाग उनकी मांग को अस्वीकार कर देता है। ये तो हुआ चरण एक, पहला। लेकिन कुछ समय बाद इन गांव वालों को पता लगता है कि उनके आसपास जो जंगल है, उस जंगल की लकड़ी काटने के लिए इसी वन विभाग ने एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया है। ठेका किस बात का? खेल सामग्री बनाने का। किसको, क्या करने के लिए? इन्हीं वनों की लकड़ी को काटने के लिए, जिसको ये ग्रामवासी बहुत आवश्यकता के लिए मांग रहे थे। और इनका उद्देश्य क्या था? उन लकड़ियों से खेल सामान बनाने का। और जबकि ग्रामीणों का उद्देश्य क्या था? उन लकड़ियों का अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का। इससे गांव वालों में बहुत ज्यादा रोष होता है, स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा नाराजगी होती है और वे सरकार के इस कदम का विरोध करना शुरू करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है आगे, जिसे हम चिपको आंदोलन के रूप में जानते हैं। और ये विरोध जो है धीरे 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 बढ़ता गया। पूरे उत्तराचल में, पूरे उत्तराखंड में विरोध बढ़ता गया, अन्य इलाकों में फैल गया और उस जगह की जो स्थिति थी, जो शोषण की स्थिति थी, उसको लेकर कई सवाल उठने लगे। क्योंकि अब लोगों का वहाँ जाना आना शुरू हुआ, मीडिया का जाना आना शुरू हुआ, विभिन्न दलों के नेताओं का जाना आना शुरू किया हुआ कि आखिर ये आंदोलन किस बात का? आंदोलन के पीछे कुछ और भी है कारण। और आंदोलन के पीछे कारण यही था कि रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने ना देकर मना कर दिया और खेल सामग्री बनाने के लिए किसी को ठेका दे रहे हैं। तो आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न सामने आते हैं। इस आंदोलन से पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण को लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, गांव वासियों ने तो मांग की थी जंगल की कटाई का कोई ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो ये बात उठाई कि बाहरी व्यक्ति को क्यों, हमारे आसपास के जंगल का ठेका जहां हम निवास करते हैं उसका ठेका बाहरी व्यक्ति को क्यों, तो उसे नहीं दिया जाना चाहिए। और स्थानीय लोगों का, जिनका जल, जंगल और जमीन से बहुत निकट का सरोकार है, जल, जंगल और जमीन जिससे उनका बहुत निकट का सरोकार है, इन प्राकृतिक साधनों पर गांव वालों का पूरा नियंत्रण होने चाहिए। और ऐसा नहीं है। रहने वाले हम यहाँ के, हम इसका उपयोग करना चाहेंगे, हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसका नियंत्रण वन विभाग के हाथ में, और वन विभाग किसी और को,
यहाँ के जंगलों को काटने का ठेका देता है। तो निश्चित है इन मुद्दों को लेकर ये सवाल उठे और ये मांग उठी। मांग क्या? जैसा मैंने बताया, बाहरी व्यक्ति को ठेका रद्द करें और दूसरा, जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो। स्थानीय वासियों का दूसरा सवाल, बाहर के कंपनियों को, बाहर के उद्योगों को यहाँ का ठेका देने पर था और उनकी मांग थी कि सरकार जो है वो लघु उद्योगों के लिए, पहली बात तो ये जगह दे, केवल लघु उद्योगों के लिए, दूसरा कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन से तात्पर्य है यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसमें जो पर्यावरण संतुलन की बात है उसको नुकसान पहुँचाए बगैर इस क्षेत्र का विकास करने की मांग उन्होंने रखी। बाहरी उद्योग को बिल्कुल ही इस क्षेत्र में आने का कतई प्रावधान ना हो, कतई प्रयास ना हो, ऐसा स्थानीय लोगों की मांग थी। और कीमत भी कम हो, यदि कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाएं कम कीमत पर उन्हें, तो वो कम कीमत पर हो। इस आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया। ऐसे जंगल के काम करने वाले कर्मचारी जिनकी जमीन नहीं थी उसके भी मुद्दे उठाए और साथ ही इस क्षेत्र में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा भी उठा दिया। तो देखिए, बात शुरू होती है बहुत छोटी सी घटना से, केवल इस बात से कि हमें छोटी मोटी लकड़ियां काटने की अनुमति चाहिए जो नहीं मिली, तो उसकी परिणति अब देखिए इन मांगों के रूप में होती है। कितनी सारी मांगें अब सामने रख दी गई और ये सब मांगों का जो दायरा था, ये सब मांगे एक तरीके से जायज इस दृष्टि से थी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए लकड़ी मांग रहे थे, मजदूरी सुनिश्चित करना चाह रहे थे, उसके साथ ही जो भूमिहीन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वनों में वर्षों से, उनके लिए कुछ जमीन की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार इनके दो सवाल और उनकी मांग, अब चिपको आंदोलन कैसे बढ़ता है ये चित्र देखिए। इस चित्र में आप देखेंगे चिपको आंदोलन के कुछ दृश्य। वन दिख रहे हैं, पहाड़ी वन दिख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ की कटाई हो रही है और दूसरे चित्रों में आप देखिए कुछ लोग पेड़ों को घेर कर खड़े हैं, बल्कि घेरे नहीं हैं, पेड़ों से चिपक कर खड़े और ये कुछ लोगों पर यदि आप गौर करें तो पाएंगे इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। महिलाओं के द्वारा पेड़ से चिपक कर खड़े होने के कारण ही इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। पेड़ों से चिपक जाना, पेड़ों को आलिंगन कर लेना, पेड़ों से लिपट जाना, उससे बना इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका थी, सक्रिय भागीदारी थी। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। घरेलू लकड़ी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं से अपेक्षा की जाती है, तो महिलाओं के लिए ये जरूरी था कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सामने आएं और पेड़ों की कटाई बाहरी उद्योगों के द्वारा, बाहरी उद्योगपतियों के द्वारा रोकने का प्रयास करें। यह आंदोलन का बिल्कुल नया पहलू कि महिलाएं सामने आई। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों के साथ शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे और संभवतः इसीलिए महिलाएं सामने आईं, क्योंकि शराब की आपूर्ति के व्यवसाय से इस क्षेत्र के पुरुषों को जोड़ लेने का परिणाम ये हुआ
कि शराबखोरी भी पुरुषों के बीच में बढ़ रही थी और शराब लकड़ी कटाई के अलावा शराबखोरी के विरोध में भी अब ये महिलाएं सामने आती हैं और इसीलिए हम देखते हैं नया पहलू कि महिलाओं का सामने आना। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज़ उठानी शुरू की, इससे आंदोलन का दायरा बढ़ गया। अब मात्र वो जंगल की कटाई तक सीमित नहीं था आंदोलन का, अब आंदोलन शराबखोरी के खिलाफ भी था। और जब ऐसा हुआ तो कुछ अन्य सामाजिक मुद्दे भी जुड़ गए, कुछ अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इसमें अपना एक तरीके से अपनी आवाज़ देनी शुरू की, इनको बल दिया, इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन देना शुरू किया और इस प्रकार आंदोलन बढ़ता चला गया। छोटी सी ज़रूरत को पूरा ना कर पाने, लकड़ी काटने की अनुमति ना मिल पाने की परिणति किस रूप में होती है, देखिए क्या उदाहरण, लकड़ी कटाई और शराब का ठेका पूरा बंद हो जाना। कई दिनों तक ये आंदोलन चला, कई दिनों तक महिलाएं पेड़ों के साथ क्रमवार श्रृंखलाबद्ध तरीके से चिपकी रहती थी और इस प्रकार ठेकेदारों को विवश किया गया कि वो पेड़ों को ना काट पाएं। परिणाम क्या होता है कि आंदोलन सफल होता है। चिपको आंदोलन की सफलताओं पर यदि नज़र डालें तो हम देखेंगे कि आखिरकार स्थानीय लोगों के दबाव में, विशेषकर महिलाओं के दबाव में आंदोलन सफल होता है और सरकार 15 साल के लिए, ये जो हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ जंगल कटाई का ठेका रद्द कर देती है, किसी भी तरह की जंगल कटाई नहीं होगी अगले 15 वर्ष, ऐसी घोषणा करती है, ऐसा कानूनी प्रावधान बनाती है। और 15 वर्ष का काल इसलिए लिया गया क्योंकि 15 वर्ष में कटे हुए जो जंगल थे वे अपनी वापस पुरानी स्थिति में घने हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा थी। 15 सालों के लिए देने के पीछे इस क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाएगा। इस क्षेत्र में जंगलों का घनत्व अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की यदि करें तो ये कह सकते हैं तो सफल तो था ही, साथ ही शराबखोरी के मामले में भी इसे काफ़ी सफलता मिली। और उसके बाद इसकी तीसरी सबसे बड़ी सफलता वो ये कि ये आंदोलन 70 के दशक में और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक वन आंदोलनों का प्रतीक चिन्ह बन गया। इस आंदोलन ने देश के अनेक भागों में जो अन्य वन आंदोलन हुए, अन्य जन आंदोलन हुए, वनों से संबंधित या अन्य विषयों से जो भी अन्य आंदोलन हुए, उसका प्रेरणा चिन्ह चिपको आंदोलन बना, क्योंकि चिपको आंदोलन बहुत सफल रहा। ये इसकी बहुत बड़ी सफलता है। पर्यावरण की बात करते हुए हमने चिपको आंदोलन को समझा, उसकी महत्ता को समझा, उसकी सफलता के कारणों को समझा। इस आंदोलन में आपने पाया कि महिलाओं की प्रमुख भूमिका थी और यदि आप रिकॉल करें तो आप पाएंगे कि पहले जितने आंदोलन हुए, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, उसके अलावा अन्य जो आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, उन सब में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। मैंने ताड़ी के आंदोलन का जिक्र किया था, ताड़ी के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसमें भी महिलाओं की प्रचुरता थी और वो महिलाओं के ही द्वारा वो आंदोलन था। तो हम देखते हैं कि आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका किसी आंदोलन की सफलता का एक मुख्य कारण बन जाती है। चिपको आंदोलन का संबंध सरोकार पर्यावरण से था और इसमें यद्यपि महिलाएं ज़्यादा सक्रिय थीं पर इसका नेतृत्व इस आंदोलन का
नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, और उनके साथ बाद में श्री चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने इस आंदोलन का बड़ा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इस आंदोलन को अपने अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में काफ़ी कुछ सफलता पाई। और हम कह सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा मात्र उत्तराखंड में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में पर्यावरण के रक्षा के लिए के एक सिंबल बन गए, एक प्रतीक चिन्ह बन गए। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण के क्षेत्र में चिपको आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुए और उसके प्रतीक चिन्ह बने आंदोलन के लिए, उसी प्रकार एक और पर्यावरण संबंधी आंदोलन होता है जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसका भी संबंध पर्यावरण से है, नदी। और इस आंदोलन का नेतृत्व एक महिला करती है, मेधा पटकर। उनके नेतृत्व में मूलतः यह आंदोलन होता है। आखिर क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा नदी को बचाने का आंदोलन। 20वीं सदी के 8वें दशक में यानी 1980 के बाद के आसपास भारत के जो बीच में जो नर्मदा नदी स्थित है मध्य भाग में, नर्मदा घाटी विकास योजना नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लाती है। नर्मदा घाटी विकास योजना के नाम से एक बहुत महती प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा विशाल विकास परियोजना सरकार लाती है सामने। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियां, उस पर 30 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रावधान रखा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, क्योंकि नर्मदा यहीं बहती है। इस नदी के पानी का उपयोग विभिन्न रूप में करने के उद्देश्य से सरकार बांध बनाने का प्रस्ताव करती है, और एक आध बांध नहीं, 30 बड़े बांध, 135 मीडियम साइज डैम और लगभग 300 छोटे बांध, छोटे डैम। कितनी विशाल का योजना होगी, अरबों रुपए की योजना थी। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजना निर्धारित की जाती हैं। इसमें जो बांध बनने थे उसमें दो बहुत अहम बांध योजनाएं थी। पहला था सरदार सरोवर डैम, सरदार पटेल के नाम से सरदार सरोवर डैम, और दूसरा था मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर डैम। ये जो योजना थी ये बहुउद्देशीय थी, मल्टीपर्पज थी, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आदि आदि। नर्मदा नदी के इस तरह की योजना में नर्मदा नदी को काफ़ी कुछ उसकी दिशा आदि में परिवर्तन करना था। नर्मदा के पानी को रोकने के लिए जो इतने सारे डैम बनाए जा रहे थे उससे ऐसी शंका थी कि आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान होगा। इसी शंका को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ। और इस आंदोलन के कारण पे यदि हम जाएं तो क्या था? पहला कारण कि
पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, पर्यावरण के अलावा जो गांव या जो शहर इस डैम की सीमा के आसपास आएंगे उन्हें विस्थापित किया जाएगा, और ऐसे विस्थापन की होने वाले लोगों की संख्या हजारों में लाखों में जाएगी। इतनी बड़ी ये परियोजना थी कि इससे कई कुछ छोटे छोटे शहर और हजारों गांव उसके डुबान में आ जाएंगे, उसके डूब में आ जाएंगे, और इसलिए उसके डैम के डूब से बचाने के लिए इन गांव के रहने वालों को अपने गांव छोड़ने की ज़रूरत थी और नई जगह में इनके बसाहट की ज़रूरत थी। तीसरा विरोध का कारण, जंगलों की भारी कटाई। यदि बांध का निर्माण करना था तो जंगलों की कटाई बहुत आवश्यक थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही अन्य ऐसी योजनाओं के खिलाफ हो गया। उसने मात्र नर्मदा सागर डैम के निर्माण के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में इस विशाल स्तर पर बनने वाले अन्य बांधों के औचित्य पर भी सवाल उठा दिया। सरदार सरोवर योजना की बात करें तो इस पर भी एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव, और जहां तक बांध के समर्थक थे उनका कहना था कि इससे गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से को और 3 पड़ोसी राज्यों को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सिंचाई पर्याप्त होगी और कुछ अन्य सुविधाएं जो कृषि की गुणवत्ता को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी वो होंगी, कृषि उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ये बांध के समर्थकों का कहना था और इसीलिए इसे बहुउद्देशीय कहा गया। बिजली, सिंचाई से पानी, पीने का पानी और कृषि उपज की गुणवत्ता में वृद्धि, गांव की उपयोगिता या बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि जो बाढ़ और सूखे पर जो निर्भरता है इस क्षेत्र में, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की जो आशंका बनी रहती है, अब उन आपदाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 4-5 तर्क देते हुए बांध समर्थक इस योजना का प्रारूप बनाते हैं और इस योजना का कार्य प्रारंभ करते हैं। एक ओर जहां ये हो रहा था, वहीं दूसरी ओर बांध के विरोधी बांध क्यों ना बने इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के करीब 245 गांव डूब जाएंगे, 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा सामने आएगा, और इसलिए बांध बनाने से पहले, इन्हें हटाने से पहले जरूरी है कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये मांग लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन आगे बढ़ता है, पुनर्वास की मांग लेकर, और ये मांग जो है एक आंदोलन का शक्ल ले लेती है 1988-89 में, जब कई स्वयंसेवी संस्थाएं खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ लेती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में छोटी छोटी जो संस्थाएं थीं वो जुड़ जाती हैं, एक संगठित हो जाती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं और उसे नाम देती है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब योजना आई, योजना के समर्थन में लोग सामने आए, योजना के पक्ष में उन्होंने बातें रखी, सरकार ने योजना को स्वीकार किया और इससे पहले आगे की कार्रवाई बढ़ती, बांधों का वास्तविक निर्माण शुरू होता, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आती हैं जो इस आंदोलन का विरोध करती हैं, धीरे धीरे संगठित होती हैं ये संस्थाएं
और नर्मदा बचाओ आंदोलन का रूप लेती हैं और मांग करती हैं कि जो 245 गांव इसकी डूब में आ रहे हैं, जिसके लोगों की संख्या करीब 2.5 लाख है, उनके विस्थापन की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। वैसे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा को बचाने के लिए था। शुरू में आंदोलन ने मान रखी कि परियोजना से जो प्रभावित हो रहे हैं उन्हें पुनर्वास दिया जाए। आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस योजनाओं के निर्माण पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं के निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमसे इस बांधों के निर्माण या जरूरत को लेकर कोई हमसे विचार विमर्श नहीं हुआ, ये गलत है, ये न्यायोचित नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। ऐसे मामलों के निर्णय जिसमें प्रभावित लोगों को शामिल ना किया जाए, ये गलत है। तो इस बात को लेकर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के सदस्य मुखर होते हैं। परियोजनाओं के निर्माण प्रक्रिया में, परियोजनाओं के निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, जल, जंगल, जमीन, इन पर, जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण मानना चाहिए। रहने वाले ये लोग, लेकिन इस पर बात करने वाले बैठे हैं दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों में, जिनका इस जल, जंगल और जमीन से कोई ताल्लुकात नहीं। तो इस प्रकार अब आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। जो भी हो, सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग बढ़ती चली गई। लेकिन इसके साथ ही साथ तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। सफलता के साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर, मांग उठाने वालों के खिलाफ जो प्रतिक्रियात्मक गतिविधियां सरकार और संबंधित लोग करते हैं, वह भी कोई बहुत निराशाजनक है। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया रहा। आंदोलनकारी बड़े अड़ियल थे, विकास की प्रक्रिया में बाधक थे। बांध के निर्माण के जो समर्थक थे, बांध के निर्माण से जिन लोगों का हित जुड़ा हुआ था, वे लोग साथ ही पानी की उपलब्धता की भी बात करते थे कि नर्मदा के बांध बनने से पानी का संचयन होगा और वह संचयन हमें पानी की समस्या से हमें छुटकारा दिलाएगा। उनकी ये शिकायत थी कि ये आंदोलनकर्ता बाधा बन रहे हैं, पानी की उपलब्धता में भी बाधा बन रहे हैं, और ऐसा करते हुए ये इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी बाधक हैं, आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहुत वाद विवाद हुए, बहुत बार तनावपूर्ण स्थितियां आईं और आंदोलनकारियों ने कुछ नए नए तरीके ईजाद करके अपना विरोध प्रकट किया। कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं और पुरुष ने कई घंटों तक नर्मदा के पानी में डूबे रहकर अपना विरोध बताया। नर्मदा में अपने को डूबे रखकर, गर्दन तक डूबे रखकर कई घंटों तक शांतिपूर्वक अपना विरोध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम तो आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही उसने आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का
जो है वह सामाजिक हित की ओर बात करते हुए, सामाजिक हित को देखते हुए ये सुनिश्चित करवाने चाहता है कि जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको समुचित तरीके से उन्हें पुनर्वास, उनका पुनर्वास किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत विशाल रूप लेता है, उतना ही विशाल जितना ये योजना थी, चाहे वो सरदार सरोवर योजना हो, चाहे नर्मदा बचाओ नर्मदा सागर योजना हो। और इससे जुड़े हुए आंदोलनकारियों ने बहुत सेक्रीफाइस, बहुत त्याग दिया। मध्य प्रदेश के कुछ शहर इसमें इसकी डूब में आए, इंदौर के आसपास के कुछ क्षेत्र इसकी डुबान में आए और उन सबको विस्थापित किया गया। लेकिन आंकड़े हमारे पास अभी ऐसे पर्याप्त नहीं है जानने के लिए कि ये जो विस्थापन हुआ है, ये विस्थापन वास्तव में संतोषजनक है क्या? सभी 2.5 लाख लोगों को या जितने लोग भी प्रभावित हुए थे, विस्थापित हुए थे, क्या उनका पुनर्वास समुचित ढंग से हो सका है या नहीं?